हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस टोडे इज़ ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी आज हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर में आपको कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए स्टार्टिंग विद द हिंदू ऑन फ्रंट पेज नेपाल सेट टू फेस फ्रेश इलेक्शन तो नेपाल में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली उन्होंने पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने की सिफारिश की है एंड विद दिस द पार्लियामेंट विल बी डिज़ोल्व एंड न्यू इलेक्शन विल हैव टू बी हेल्प तो नेपाल में काफ़ी देर से एक टसल चल रही है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट के अंदर ही इनफैक्ट देर इज़ टेंशन विद इन द गवर्नमेंट और इस वजह से अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा है दैट न्यू फ्रेश इलेक्शन विल हैव टू बी हेल्ड तो ये जो एक टाइम लाइन है यहाँ पर दी गई है कि पिछले कुछ वक्त से पिछले कुछ दो तीन सालों से क्या क्या इशूज़ चल रहे हैं वहाँ पर जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में रहे हैं चाहे वो इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो चाहे वो जो है Uh, दो पार्टीज़ का मर्जर हुआ था उसकी बात हो चाहे uh, इंडिया के ऊपर उनका एलिगेशन लगाना हो कि इंडिया उनकी सरकार को पलटना चाहते हैं सो वट एवर इट इज़ इसका इंडिया के साथ इम्पैक्ट क्या होगा वो ये कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके इंडिया के साथ रिलेशन्स कैसे होंगे बिकॉज एज़ आई टोल्ड यू इन अ प्रीवियस वीडियो दैट नेपाल में कौन सी सरकार आती है ये बहुत मैटर करता है बिकॉज सम ऑफ द पार्टीज आर प्रो इंडिया एंड सम आर प्रो चाइना सो दैट मैटर्स अ लॉट टू अस बिकॉज ऑफ अट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो ये न्यूज आपको पढ़नी है आई के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट uh, ये न्यूज आपको पढ़नी है 34 फोर अरेस्टेड अंडर न्यू यूपी ऑर्डिनेंस सोफा तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास की थी जिसके तहत फोर्सफुल कन्वर्जन रिलीजियस कन्वर्जन को बैन किया गया था और उस ऑर्डिनेंस के तहत 34 अरेस्ट किए जा चुके हैं एक महीने के अंदर और 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं तो

क्राइम uh, कौन सी चीजें हैं जिनको क्राइम डिक्लेयर किया गया है इसमें तो ये न्यूज आपको पढ़नी है देन लेटस्ट मूव टू पेज नंबर सिक्स एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में आया है काफी ज्यादा अच्छा आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ काफ़ी अच्छा आर्टिकल है वुड से अगर आप इकोनॉमी के नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे कट करके रख सकते हैं अपने पास इसमें बेसिकली इतनी क्रेडिबिलिटी इस आर्टिकल की इसलिए है क्योंकि इसके राइटर हैं सी रंगराजन वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिस्ट्स ऑफ इंडिया ये बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट ऑक्यूपाई कर चुके हैं इंडिया में ये आर बी आई के चेयरपर्सन रह चुके हैं ये फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन रह चुके हैं ही हैज़ बिन प्राइम मिनिस्टर्स ही इज़ हैज़ बिन द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी पोजिशन होल्ड कर चुके हैं बहुत सारी फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड कमिटीज़ के चेयरपर्सन रह चुके हैं सो इज़ एन अथॉरिटेटिव वॉइस ऑन इकोनॉमिक मैटर्स तो इन्होंने अब ये कहा है कि पैंडेमिक की वजह से जो भी इस साल इकोनॉमी uh, डाउन हुई है उसको रिवाइव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वट शुड बी ऑर मॉनिटरी पॉलिसी मेजर वट शुड बी ऑर फिजिकल पॉलिसी स्टेप तो ये आर्टिकल आई वुड से वर्ड बाय वर्ड यू हैव टू ट्रीट इट एज अ यू कैन से इट इज़ अ सेक्रेड आर्टिकल फॉर यू एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न तो ये आपको जरूर पढ़ना है इट्स अ मस्ट रीड आर्टिकल टू डे सेकेंडली जो एडिटोरियल है द राइट कॉल तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया रिसेंटली जिसमें उन्होंने एक इंक्वायरी करने की बात कही दैट वेदर द गवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इज एक्सपीरियंसिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन और नॉट तो ये एक ऐसा ऑर्डर है जो आज तक इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में कभी इस तरह की किसी सुपीरियर जुडिशरी ने ऐसी कोई बात नहीं की है तो इस तरह का ऑर्डर पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट को फटकार लगाई है कि भाई आप ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ डॉक्ट्रीन कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर थ्री सेपरेट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट और उसमें जुडिशियरी इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती लेजिस्लेचर में कि वो ये भी डिसाइड करने लग जाए दैट वेदर देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट और नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं ये डिसाइड करना एग्जीक्यूटिव का काम है और एग्जीक्यूटिव स्टेट के केस में होता है गवर्नर सो इट इज द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नर टू डिसाइड वेदर द सिचुएशन इन द स्टेट इज सच दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अ यूजल मैनर तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं ये डिसाइड करना कोर्ट का काम नहीं है तो ये जुडिशियल ओवर का एक क्लासिक केस है कहीं भी आपको जुडिशियल ओवर पे क्वेश्चन आता है या सेपरेशन ऑफ पावर्स पे क्वेश्चन आता है तो आप ये एग्जाम्पल ज़रूर कोट कर सकते हैं इट्स अ रिस एग्जाम्पल इन डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑफ हाउ कोर्ट कैन और जुडिशरी कैन ओवर स्टेप इट्स जुरिस्टिक्शन तो राइटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिस्ट्रेन किया है कि आप इस तरह की बातों को एग्जामिन नहीं कर सकते इट इज़ द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंडर जब स्टेट एमरजेंसी लगाई जाती है जैसे हम प्रेजिडेंट रूल भी कहते हैं तो वो कई सारे ग्राउंड्स पे लग सकती है जिनमें एक ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी इन द स्टेट तो वो एग्जामिन करना एग्जेकटिव का काम है जुडिशरी का नहीं सो दिस इज एन आर्टिकल ऑन दैट तो आपको ये पढ़ना है पॉलिटी के लिए सो वन आर्टिकल ऑन इकोनॉमी वन ऑन पॉलिटी बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं ये नेक्स्ट अगेन एन आर्टिकल ऑन यू कैन से इकॉनॉमी स्मोड्रिंग ऑन तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इनिक्विटेबल लेबर कैपिटल रिलेशंस कुड हिट इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्रीडो तो एप्पल की फैक्ट्री के ऊपर अटैक हुआ है वहाँ पर काफ़ी सारा काफ़ी तोड़फोड़ हुई है तो लेबर रिलेशन्स के ऊपर ये आर्टिकल है कि कैसे इंडिया में जो लेबर कैपिटल रिलेशन है वो इनिक्विटेबल है और कैसे उन्हें ठीक किया जाना चाहिए तो ये आपको पढ़ना है फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है So, three articles on the editorial page that you have to read today. <clears throat> then, moving on to the next pages. सो पेज नंबर टैन पेज नंबर टैन पे ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है आई के लिए आपको इसको ज़रूर पढ़ना है सो द राइटर ऑफ़ दिस आर्टिकल इज़ सुहासिनी हैदर सुहासिनी हैदर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन तो द हिंदू में कभी भी आप कोई आर्टिकल या एडिटोरियल अगर सुहासिनी हैदर का पढ़ते हैं सो यू हैव टू टेक नोट ऑफ इट बिकॉज शी इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी अथॉरिटेटिव वॉइस ऑन आई आर और इंटरनेशनल रिलेशन तो ये इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर एक न्यूज़ एनालिसिस आर्टिकल है इंडिया यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ज़रूर पढ़ना है और आप इसकी कटिंग भी आई के सेक्शन में रख सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू प्रेजिडेंट बिकॉज ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल चेंज इंडिया यूएस रिलेशन और इंडिया और यूएस ने जो अनफिनिश्ड एजेंडा है जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया है तो बैकग्राउंड लेवल टॉक्स डिप्लोमेसी लेवल टॉक्स होने शुरू हो गई हैं जैसे कि ट्रेड डील सैंक्शंस न्यूक्लियर एनर्जी ये कुछ चीज़ें हैं जो अनफिनिश्ड हैं इंडिया यू में तो इसके ऊपर अब बात होनी शुरू हो गई है सैंक्शंस की मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया दैट काट्सा इज़ अ लॉ ऑफ यू एस काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट तो इंडिया ने भी रशिया से एसफो हंड्रेड मिजाइल सिस्टम परचेज किए हैं तो इंडिया पर भी ऐसे सैंक्शन लग सकते हैं तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और यूएसए के बीच में तो ये आर्टिकल आपको ज़रूर पढ़ना है नेक्स्ट ऑन द वर्ल्ड पेज येस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ न्यू वायरस ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल सेज यू के तो कोरोना वायरस की एक म्यूटेशन है एक म्यूटेशन यानी कि एक नई वैरायटी ऑफ कोरोना वायरस जो कि धीरे धीरे फैल रही है यूके में सो यू के का कहना है कि दैट दिस स्ट्रेन इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल सो दिस रिमेंस टू बी सेन वेदर दिस पर्टिकुलर न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस कैन एक्चुअली कॉज प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम बिकॉज अभी तो वर्ल्ड जो है कोरोना से रिकवर होना शुरू ही हुआ है ऐसे में अगर एक नई म्यूटेशन सामने आ जाती है इट कैन बी अ इट कैन रीक हैवक फॉर द नेक्स्ट टाइम द फोर फोर कमिंग मंथ्स एज वेल तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इसको आप देखिए कि वट इज म्यूटेशन इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव भी हमें देखना है दैट वट इज म्यूटेशन हाउ इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वायरस then वी मूव ऑन to द नेक्स्ट newspaper which is the indian express so indian express pe पे गवर्नमेंट राइट टू फोर्टी फार्म

काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है अगेन इट डिजर्व्स टू बी कट डाउन एंड पेस्टेड इन योर नोट्स तो यहाँ पर एक बहुत फेमस कैपिटल मार्केट्स एक्सपर्ट हैं मिस्टर नीलेश शाह इन्होंने बारह स्टेप्स यहाँ पर सजेस्ट किए हैं गवर्नमेंट को दैट इन द अपकमिंग बजट और इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज फंड्स टू फाइनेंस इंडियाज रिकवरी फ्रॉम द इकोनॉमिक स्लो कि जो अभी पैंडेमिक और ये लॉकडाउन की वजह से जो भी इंडिया की इकोनॉमी डाउन गई है इसमें उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है कैसे फंड जनरेट किए जा सकते हैं उसके बारह स्टेप्स इन्होंने सजेस्ट किए हैं सो इट्स अ वेरी वेरी यू कैन से कि आपको बना बनाया कुछ मिल गया है यहाँ पे स्टेप्स हाउन हाउ टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए एक uh, आर्टिकल है, so अच्छा है आपको जरूर पढ़ना है रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन लेटर टू द फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है आपको ज़रूर पढ़ना है दैन नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा अगेन समथिंग दैट डिजर्व टू बी कट डाउन तो जैसे मैंने आपको बताया था जो भी सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स हैं एस डी जीज देर आर सेवनटीन गोल्स तो उन सेवनटीन गोल्स के आप सेवनटीन अलग अलग अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो फोल्डर्स बना सकते हैं या फिर अगर आप हार्ड कापी में बनाते हैं यू कैन हैव सेवनटीन सेक्शंस और सेवनटीन पेजेस तो एन एफ एच एस का या कोई भी डेटा कोई भी रिपोर्ट आपके लिए सामने आती है तो आप उसे उस पर्टिकुलर एस डी जी के अंदर फिट कर सकते हैं जैसे हेल्थ के ऊपर कोई डेटा आता है या एजुकेशन पे आता है या रिन्यूएबल एनर्जी पे आता है हंगर के ऊपर आता है सो यू कैन जस्ट फिट इन देयर तो एन एफ एच एस में जो डेटा आया है इन्फेंट मोटेलिटी के ऊपर या फिर स्टंटिंग वेस्टिंग माल न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ मेन्स में भी आपको हेल्प करेगी प्रलिम्स में भी हेल्प करेगी सो दिस अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम टुडेज़ न्यूज़ पेपर एडिटोरियल पेज पे कुछ बहुत खास नहीं है आज एक यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है अगेन ऑन वेजेस इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर रिलेशंस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं द हिंदू में यस देन द लास्ट आर्टिकल दैट यू हैव टू रीड टुडे इज दिस वन ऑन पेज नंबर थर्टीन द फूड सिक्योरिटी बाग दिस आर्टिकल यू हैव टू रीड तो फूड सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए अगेन इसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं पहला तो यही जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है जिसमें चिल्ड्रन को चिल्ड्रन का जो माल नरिशमेंट डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखाया गया है सेकेंडली इसमें जो ओवरऑल डब्ल्यू के पर्सपेक्टिव से भी बात की गई है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करता वो डिफरेंटली ट्रीट करे ऐसे में इंडिया को लीड लेनी चाहिए सो दिस इज़ वॉट दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग तो ये माल न्यूट्रिशन India WTO relations and how India should approach this issue at WTO is So, this article also you have to read. So, this is in the newspaper. If you like the video, please like, subscribe, and share it with your friends. Do not forget to press the bell icon so that you are the first to be notified whenever we post this video. So now you can go and read all these news and do add them to your notes. Thank you and have a nice day.